अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटर योर स्टडी पार्टनर। सो आई हार्दिक कनेरिया वेलकम यू टू दिस क्रैश कोर्स। सो ये वीडियो जो हमारा आज का जो लाइव वीडियो सेशन है वो आपके आने वाले एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है टाइम एंड वर्क। और यदि आपको पता नहीं है तो हमने पिछले सेशन में टाइम एंड वर्क के ऊपर एक थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल वीडियो बनाया था जिसमें टाइम एंड वर्क क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है और कितने टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो हमने उसमें पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। सो अगेन, जो लोग इस क्रैश कोर्स में बहुत लेट जुड़े उन्हें हम बता दें कि वी द TGM द ग्रेट मेंटर, वी हैव स्टार्टेड दिस क्रैश कोर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम। एंड इसमें हम रोज़ मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स इसमें विद द हेल्प ऑफ टू वीडियोस, टू लाइव वीडियो सेशंस, यानी कि एक जो होता है वो होता है हमारा कंसेप्चुअल वीडियो जिसमें हम सिर्फ थियरी पढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पढ़ाते हैं, और जो दूसरा जो होता है वो होता है कि सम्स, जिसमें हम वो सारे सम्स कवर करते हैं जिसकी एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो फिलहाल इंडिया में TGM इज़ द ओनली फ्री प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडिंग यू दिस क्रैश कोर्स, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स बट ऑल्सो फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, GK, everything. So if you are preparing for government exam, then this is the right platform for you. Stay connected with us, whichever be the exam you are preparing for, वो चाहे कोई भी हो, SSC हो गया, banking हो गया, railways हो गया, topic हमारे जो रहेंगे वो more or less same ही रहेंगे। तो आज हम एक ऐसा topic cover करेंगे time and work, जिसके ऊपर sums भी cover करेंगे और theory है वो हमने already cover कर दिया गया है। तो आपको वो video देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके इस जो ये ongoing कोर्स है उसके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो आई इंसिस्ट कि आप पहले वो देख लें, इसके बाद टाइम एंड वर्क पे भी आज के सम पे आते हैं। तो ये चैप्टर में से क्वेश्चन आने वो बात तो पक्की है, और ये चैप्टर में से दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तो टाइम एंड वर्क का आएगा और जो दूसरा रहेगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम का। तो कॉन्सेप्ट सेम है दोनों के, तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। पहला सम आज का, If 18 men can finish a work in 15 days, the same work can be done by 10 men in how many days? यानी कि 18 लोग मिलकर काम कर रहे 15 days में, then the same work can be done by 10 men in how many days? तो यहाँ पर आपको पहले ये find करना है कि जो मेरा number of men है, number of men और time दोनों के बीच में क्या relation होता है, जो हमने last video में देखा था कि men, number of men, women और machine जो भी हो गया इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू टाइम, यानी कि नंबर ऑफ मैन, वुमेन, मशीन, जो भी चीज़ जो एम्प्लॉयड है, मशीन भी एम्प्लॉयड हो सकता है, मैन वुमेन दोनों, इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू टाइम। यानी कि मेरे पास ज़्यादा आदमी रहेंगे, ज़्यादा मैन रहेंगे तो मुझे कम टाइम लगेगा, और एट द सेम टाइम मेरे पास टाइम ज़्यादा रहेगा तो वही काम मेरे कम आदमी भी कर सकते हैं। सो दे आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल, सो इन्वर्सली प्रपोर्शनल हुआ तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ मैन इंटू टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो देयरफॉर यहाँ पे यही होगा, फर्स्ट केस में मेरे 18 मैन है और 15 डेज है, सेकेंड केस में मेरे 10 मैन है और मुझे टाइम पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे सीधा होगा 18 इंटू 15 इज इक्वल टू 10 इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी कि कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया M1 इंटू T1 इक्वल टू M2 इंटू T2। तो सिंपल सा रूल था प्रोपोर्शनलिटी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे आएगा वो आएगा 18 इंटू 15 अपॉन 10 जो होगा 329। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि 27 डेज। तो 18 लोग मिलके 15 दिन में कर रहे हैं तो वही काम 10 लोग मिलके कितने दिन में कर पाएंगे, 27 दिन में। तो यहाँ पे आपको ये बात जानना ज़रूरी था कि जो रिलेशन होते हैं, मतलब कि टाइम का हो गया नंबर ऑफ मैन के साथ, फिर टाइम का वर्क के साथ कैसे होता है कि जितना ज़्यादा काम रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मैन और वुमेन का भी टाइम के साथ रहता है कि ज़्यादा टाइम रहेगा, ज़्यादा काम है, वर्क ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मैन और वुमेन ज़्यादा लगेंगे, और सिमिलरली काम कम है तो नंबर ऑफ मैन और वुमेन कम लगेंगे। सो इस तरीके से वो जो चार रिलेशन हमने पिछले वीडियो में बताए थे वो चारों के चारों आपको एकदम एग्जैक्टली याद होने चाहिए, तभी जाके आप ये इस तरीके के सम कम टाइम में कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, बॉम्बे।
Now moving to another sum. A is 20% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which A could have done in 15 days? तो first पूरे question को breakout करते हैं. तो A is 20% more efficient than B. यानी कि जिस काम करने के लिए A को कुछ दिन लग रहे हैं, X दिन, right? तो वही काम करने के लिए B को कुछ ज़्यादा दिन लग रहे हैं, X plus है, कुछ ज़्यादा time लग रहा है, right? तो मान लीजिए कि मेरा B, A मेरा है, वो मेरा X हो गया, right? Efficient यानी कि वो कम time ले रहा है. तो efficient यानी कि वो कम time ले रहा है. तो यहाँ पे X मेरा A हो गया, तो B मेरा क्या होगा? सीधी बात है, 1.2 into X हो जाएगा, क्योंकि उसको time उतना ज़्यादा लग रहा है. So therefore, how much time will they working together to take a job which A could have done in 15 days? यानी कि A को मेरा कितना दिन लग रहा है? 15 दिन. तो सीधी बात है कि B को ज़्यादा दिन लगेगा, because A कम time में कर रहा है. So therefore, B is equal to 1.2 into 15. यहाँ पे more efficient का मतलब more days नहीं होगा, more efficient यानी कि वो कम time में काम कर रहा है, वो इतना skilled है. So 15 into 1.25, तो ये होगा 180, यानी कि 18 days. यानी कि B को 18 days लग रहा है और A को 15 days लग रहा है. और क्वेश्चन में पूछा है कि अभी दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा. तो A को 15 दिन लग रहे काम करने के लिए, उसी काम करने के लिए B को 18 दिन लग रहे, राइट? तो A का 1 days वर्क क्या होगा? 1/15. पूरा काम करने के लिए 15 दिन, तो एक काम करने के लिए 1/15. सिमिलरली B's 1 days वर्क क्या होगा? 1/18. सो हम पहले ये दोनों की जो एक दिन का काम है 1/15 एंड 1/18 दोनों को ऐड करेंगे. सो बोथ ऑफ देम्स 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/18. मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेगा, 1/3, 1/5 प्लस 1/6, तो ये होगा 11/30. सो इट विल बी 6 by 30 विल बी 30 × 3/11. सो इट विल बी 90/11. तो 11/90 काम होगा एक दिन में, राइट? तो सिमिलरली मतलब इतना काम हुआ 11/19 काम हुआ एक दिन में, तो टोटल कितना काम हुआ रहेगा? 90/11. सो यहाँ पे 90/11 को हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे 11 8 जा 88 एंड 2 90. सो देयरफॉर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा. तो मतलब दोनों को मिल के एक जो पूरा 11/90 काम करते हैं एक दिन में, राइट? तो पूरा काम करने को कितना टाइम जाएगा? 90/11. एक नॉर्मल सा फंडा रहता है कि मुझे एक काम करने के लिए एन डेज लग रहे हैं, तो वो काम एक दिन में मेरा 1/n होगा. तो मुझे जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा ना, तो उतने दिन लगते, 7 दिन लग रहे मुझे काम करने के लिए, और मैं उसको 1/7 लिखता हूँ, तो एक दिन में 1/7 होगा. तो इसी केस में यहाँ पे 1/11/90 था वो, ये 90. तो यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरा 90/11 हो जाएगा, और 90/11 हो गया, यानी कि 8 और 2/11 जो मिक्स्ड रेशियो यहाँ पे. तो यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, 8:11. नाउ नेक्स्ट सम, ए इज 100% लेस एफिशिएंट देन बी. ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, देन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड डू द वर्क. ए इज 100% लेस एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी को जिस काम जो काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है, ए को वो काम करने के लिए 20 दिन लगेंगे, क्योंकि वो 100% 20% 30% नहीं, सीधा 100% लेस एफिशिएंट है. तो जहाँ पे बी को 10 लगेगा, वहाँ पे ए को 20 लगेगा. तो मान लीजिए कि बी को एक्स लगेगा, तो इसको 2x लगेगा. इस तरीके से ये पूरा का पूरा सम होगा. नाउ तो हमें फाइंड करना है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड डू द वर्क. तो जहाँ पे इसको x लग रहा है, वहाँ पे इसको 2x लग रहा है. अभी सीधी बात है कि x उसको पूरे दिन लग रहे हैं, मतलब पूरा काम करने के लिए उसको x दिन लग रहे हैं. तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x. सिमिलरली b को 2x दिन लग रहे हैं पूरा काम करने के लिए, तो एक दिन में उसका काम कितना होगा? 2x. सो सिमिलरली वो दोनों का एक दिन का काम, 1 day's वर्क इज 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू, वे पूरा काम करने के लिए कितना टाइम जा रहा है?
इफ ए एंड बी बोथ वर्क टुगेदर देन वो लोग 6 दिन लेते हैं, तो एक दिन में 1/6 काम होगा, एक कॉमन सा फंडा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 2 + 1/2x = 1/6। सो ये होगा 3 × 6 = 2x, सो देयरफॉर 18/2 = x, सो x इक्वल टू 9। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड डू द वर्क। तो यहाँ पे ए को हमने क्या अज्यूम किया था, ए को हमने 2x अज्यूम किया था, तो 9 × 2, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा वो होगा 18, यानी कि 9 × 2 = 18। हमारा जो आंसर हुआ कि ए को कितना टाइम लग रहा है वो गया 18, तो यहाँ पे देर इज़ अ मिस्टेक इन ऑप्शन, इट इज़ एक्चुअली 18, तो ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 18, यानी कि ए को 18 दिन लगते हैं ये काम पूरा करने में। सो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज डी 18, इट इज़ नॉट 8, इट इज़ 18। द नेक्स्ट सम, 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट्स इन 4 डेज एट द सेम रेट, हाउ मेनी मैट्स वुड बी वुवन बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज। यानी कि दो केस है, केस 1 हो गया और केस 2 हो गया। केस 1 में 4 मैन है, 4 वर्क हो रहा है, वो लोग 4 मैट वीव करते हैं, इन द सेंस कि वो 4 काम कर रहे हैं, डब्ल्यू इक्वल टू 4 हम अज्यूम करते हैं, और 4 दिन हो गया, मतलब टाइम भी 4 हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस में 8 में पूछा गया है कि 8 मैट वीवर्स है, नंबर ऑफ मैन 8 हो गया, टाइम हमारा 8 हो गया, तो हाउ मेनी मैट्स वुड बी वुवन बाय 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज। तो यहाँ पे वर्क हमें पूछा गया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 4 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 8 8 8 नहीं होगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, वो होता है कि MT/W = कॉन्स्टेंट, यानी कि नंबर ऑफ मैन, टाइम टेकन आवर्स में भी हो सकता है और दिन में भी हो सकता है, और W यानी कि वर्क डन, तो M1T1/W1 = M2T2/W2। दोनों केस को मैं कंपेयर करता हूँ, ये जो मेथड है उसको चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। तो M1 फर्स्ट केस में मेरे कितने लोग हैं, 4, टाइम मेरा 4 जा रहा है और वर्क मेरे 4 मैट्स मेरे वीव हो रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड केस में मेरे 8 लोग हैं, टाइम 8 दिन है और मुझे काम पूछा गया है, W2 पूछा गया है कि कितने मैट वीव हो गए, यहाँ पे 4 4 कट हो जाएगा 2, सो W2 = 16। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल 8 मैट वीवर्स इन 8 डेज कैन वीव 16 मैट्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी 16। तो इस तरीके से आपको चेन रूल्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करने हैं। MT/W, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें जो टाइम दिया गया है वो आवर्स में होता है और दिन में भी होता है, यानी कि 5 दिन 6 घंटे, 6 दिन 10 घंटे, तो ये कुछ इस तरीके से आता, MDH/W। तो टाइम आपको पूरा का पूरा ओवरऑल लेना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी 16। अनदर सम, रमेश कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड अमित कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। दो लोग हैं, रमेश को कितना दिन लगता है पूरा काम करने के लिए, 10 दिन। सिमिलरली अमित को पूरा काम करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं, राइट, तो रमेश का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। सिमिलरली अमित का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। एंड इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों का पहले एक दिन का काम लेते हैं, तो वन डेज वर्क हम लोग का होगा 1/10, 1/15, सो इट विल बी 15 + 10/150, सो 25/150। तो ये हो गया मेरा 25/150 = 25 6 × 1/6। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई एक काम करने के लिए मुझे n दिन लग रहे, तो एक दिन में मेरा कितना काम होता है, 1/n। तो सिमिलरली मेरा एक दिन का काम 1/n है, तो मुझे वो काम पूरा करने के लिए n दिन लगेंगे, तो यहाँ पे मुझे 6 दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए। नाउ अभी 6 दिन में से वो लोग कितना दिन काम कर रहे हैं, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 5 डेज। अभी एक दिन का काम 1/6 है, तो सीधी बात है 5 दिन का काम क्या होगा, 5 ×
1/6 because work and time are directly proportional. तो 5 × 5/6 तो एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और नेक्स्ट सम, ए कैन बिल्ड द वॉल इन 12 डेज, सिमिलरली बी कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 16 डेज विथ द हेल्प ऑफ सी, दे डिड इट इन 6 डेज. द सेम वॉल कैन बी बिल्ड बाय सी इन हाउ मेनी डेज. तीन लोग हैं, ए बी एंड सी. ए को 12 डेज लग रहा है, बी को 16 डेज लग रहा है, और सी को कितना दिन लग रहा है वो हमें पूछा है. तो मान लीजिए कि सी को एक्स दिन लग रहे हैं. तीनों जब मिलके काम करते हैं, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो काम 6 दिन में हो जाता है, राइट. तो पूछा है कि सी अलोन वुड टेक हाउ मेनी डेज टू कम्प्लीट द वॉल, टू बिल्ड द वॉल. तो हम तीनों का वन डे का वर्क कंसिडर करते हैं फिलहाल. तो एक दिन का काम होगा 1/12, सिमिलरली बी का एक दिन का काम होगा 1/16, एंड सी का एक दिन का काम होगा 1/x, विल बी 1/6, बिकॉज पूरा काम तीनों जब मिलके करते हैं तो 6 दिन लगता है. तो इसका ये मतलब हुआ कि एक दिन में 1/6 काम होगा. अभी इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं. तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/x इक्वल टू 1/6. सो इट विल बी 1/4 × 7/12 प्लस 1/x इक्वल टू 1/6. सो 1/x इक्वल टू 1/6 माइनस 7/48. तो अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1/x इक्वल टू 48. सो 6 8 जा 6 8 जा, सो इट इज 8 माइनस 7/48. सो देयरफॉर x इक्वल टू 48. तो जब सी अकेला काम करेगा तो उसको 48 डेज लगेंगे पूरा काम करने में. तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा ए, 48. नेक्स्ट सम, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 6 डेज, देन ए एंड सी टुगेदर विल डू इट इन हाउ मेनी डेज. पिछले सम में हमें दिया गया था कि ए अकेले को इतना टाइम लग रहा है, बी अकेले को इतना टाइम लग रहा है, और तीनों मिलके जब काम करेंगे तो इतना टाइम जा रहा है, और फिर पूछा था कि सी को कितना टाइम जाएगा. बट ये सब में उन लोगों ने हमको कपल करके दिया गया है कि ए प्लस बी जब काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे, बी प्लस सी काम करेंगे साथ में तो पूरा काम ख़त्म करने में 12 दिन लगेंगे, और फाइंड करना है कि ए प्लस सी जब मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम जाएगा. और दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन लग रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी के जो एक एक दिन का जो काम होता है हम उसको ऐड कर लेंगे. यानी कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का काम वो क्या होगा 1/8, सिमिलरली बी प्लस सी का 12, और ए प्लस सी का जो हमें फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, मैं जब ऐड करूँगा सबको. तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी का 1 दिन का काम क्या होगा 1/8, बी प्लस सी का 1/12, एंड ए प्लस सी का हमें फाइंड करना है. तो अभी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा 1/6, यानी कि 1/6 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/x. सो 1/3 इक्वल टू 1/4, 1/2 प्लस 1/6 आ जाएगा 3 प्लस 1/x. तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 3 × 5, 1/4 × 5/6 प्लस 1/x. सो देयरफॉर 1/x इक्वल टू 1/3 माइनस 5/24. सो यहाँ पे x का जो आंसर वो होगा, यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के लिए, तो 3/24 यानी कि 1/8. सो x इक्वल टू 1/x, यानी कि c का एक दिन का काम कितना होगा 1/8 a प्लस सी का. तो a प्लस सी को टोटल 8 दिन लगेंगे जब वो दोनों मिलके काम करेंगे, जबकि a प्लस बी को 8 और b प्लस सी को 12 लग रहे थे. तो वहाँ पे a प्लस सी को 8 आंसर लगेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मेरा a, ऑप्शन नंबर a. Now coming to our another sum, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days. 6 men and 8 women
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो उन लोग का एक दिन का जो काम होगा वो होगा 1/10. सिमिलरली 26 मैन एंड 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, तो उनका भी एक दिन का काम होगा 1/2. तो यहाँ पे ये तरीके के जो सम होंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में काम कर रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ मैन और वुमेन है, यहाँ पे चिल्ड्रन भी हो सकते थे कि मैन वुमेन और चिल्ड्रन. सिमिलरली सेकेंड केस में भी मैन वुमेन और चिल्ड्रन हो सकते थे. तो ये वाले सम में हमारा जो काम रहता है ना वो हमेशा वन रहता है, मतलब वन इज़ कंसिडर एज कम्प्लीट वर्क, 100% वर्क. 1/2 हाफ, 1/3 1/3, 1/4 फोर्थ वर्क, तो उस तरीके से. तो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे कि 6m प्लस 8w इज इक्वल टू 1/10, 26m प्लस 48w इज इक्वल टू 1/2. सो वी विल मल्टीप्लाई 10 बाय दिस नंबर. सो 10 इंटू 6m प्लस 8w इज इक्वल टू 1, एंड 2 टाइम्स 26 मैन प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर ये भी और ये दोनों सेम हो गया. सो देयरफॉर 60m प्लस 80w इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कट कर लेते पहले, यहाँ पे 5 कर ले रहे हैं. तो देयरफॉर 60m प्लस 40w इज इक्वल टू 26m प्लस 48w. यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे 26 को, तो होगा मेरा 4m इज इक्वल टू 8w. सो देयरफॉर m इक्वल टू 2w. ये मुझे रिलेशन मिल गया कि नंबर ऑफ मैन, मैन जितना काम कर रहे हैं वो 2 टाइम्स वुमेन कर रहे हैं, यानी कि मेरी w की वैल्यू 5 होगी तो m की वैल्यू 10 हो जाएगी, मतलब कि मैन आर 100% मोर एफिशिएंट देन वुमेन. अभी हम यहाँ से m और w की वैल्यू निकालते हैं. अभी ये इक्वेशन में 6m प्लस 8w मेरा 1/10 है, राइट? सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ. तो 6m के जगह पे मैं 2w पुट करूँगा, तो ये मेरा होगा इक्वल टू 1/10. सो ये होगा 12w प्लस 8w इज इक्वल टू 1/10, 20w इज इक्वल टू 1/10, सो w इज इक्वल टू 1/200. तो m मेरा कितना होगा 2, तो ये मेरा 1/100. अभी मुझे पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज आर टेकन बाई 10 वुमेन एंड 15 वुमेन. सो 10 वुमेन प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो 10 इंटू मैन मेरा कितना होगा 1/100, प्लस 15 मेरा कितना होगा 1/200. सो मैं भी यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरा 20/100 प्लस 15, सो इट इज़ 35/100. सो इट इज़ 100/35 जो मेरा आंसर रहेगा यहाँ पे, इसका मैं रेसिप्रोकल कर लूँगा. तो मेरा आएगा अराउंड 5 7 and 5 5 25 5 2 ज़ा. तो 7, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो होगा 35/7, यानी कि 5 5 7, यानी कि 40/7. तो यहाँ पे बी मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 35/40/7. सो इस तरीके से जब आपको दो केस के सम दिए गए रहेंगे 6m प्लस 8w और 26m प्लस 48w, तो आपके इस तरीके से सम को आपको ऐसे सॉल्व करना है, इंस्टेड कि आप अलग तरीके से करो. यहाँ पे होगा इंटू 2 आएगा, सो ये होगा 35/200. तो उसके बाद ये 5 4 ज़ा होगा, 5 7 ज़ा होगा, तो ये 400/7, और उसके बाद इसका आंसर आएगा 5 5/7. तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. नेक्स्ट सम, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट. यानी कि ए एंड बी दोनों ने साथ में काम किया, फिर बीच में बी लेफ्ट, ए ने फिर आगे अकेला कंटिन्यू किया. आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड फिनिश द वर्क. तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं कितना दिन, 30 दिन. टुगेदर दे कैन कम्प्लीट इट इन 30 डेज, राइट? बट दे वर्क फॉर 20 डेज. तो भी यहाँ पे हर बार आपको फॉर्मूला से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. 30 दिन लग रहा है पूरा काम करने में, 20 दिन साथ में किया, तो सीधी बात है कि 2/3 काम मेरा हो गया, 1/3 काम मेरा यहाँ पे पेंडिंग है. उसके बाद आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश इज द रिमेनिंग वर्क, यानी कि 1/3 काम करने के लिए ए को 20 दिन लग रहा है, तो सीधी बात है कि पूरा काम करने के लिए उसको 20 इंटू 3 60 दिन लगेगा, बिकॉज टाइम एंड
टाइम एंड वर्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। सो 20 के लिए 3 तो 60 के लिए भी, तो उसके लिए 60 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ डेज मेरा यहाँ पे कितना है 20, और मेरा काम कितना हो रहा है 1/3, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, यानी कि 20/1/3 होता है। तो 20 × 3 यहाँ पे मेरा आंसर होगा। यहाँ पे वर्क मेरा 1 रहता तो 20/1 आता, बट वर्क मेरा 20/1/3 होगा क्योंकि 1/3 काम मेरा बाकी था। तो 20/3 ऊपर आ जाएगा, सो 20/3 W/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेरिवेशन होता है। सो 20 × 3 = 60, यानी कि ए को अकेले को काम करने के लिए 60 दिन लगेंगे, यानी कि A = 60। सो ये जो सारे टाइप्स थे, मतलब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, दो का पैर बन रहा है, तीन लोग अकेले साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, फिर कोई आ रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो छोड़ के जा रहा है, तो ये जो सारे सम्स थे वो सारे टाइप्स के सम हमने इस वीडियो में कवर किए। सो आपको जब भी एग्जाम में सम आएगा तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम सम को देख रहे हो। सो आई होप कि दिस वीडियो देखने के बाद आपके जो भी जितने भी टाइप्स से वी ट्राई टू कवर ऑल दिस। सो आप ये वीडियो देखिए, आपके जो भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, और आपके जो भी सजेशन से आपके डाउट है वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के थ्रू। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।